साइंस को लेके अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो हम साइंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे फर्क पड़ता है इसको देखेंगे, और हम इसको एक नंबर लाइन पे भी करके देखेंगे, तो इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जब आपका प्लस फाइव प्लस प्लस फोर है, तो आपका ये जो प्लस और ये प्लस है, जब ये दो साइन होते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली सही जो साइन होता है वो निकल के आ जाएगा। और आप आपका मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसा होता है, मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है अगर प्लस प्लस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस होगा, माइनस प्लस को किया तो माइनस होगा, प्लस माइनस को किया तो माइनस होगा, एंड माइनस माइनस को किया तो प्लस होगा। इस रूल का ध्यान रखो, तो ये कभी गलत नहीं हो सकता है। और इसको एक आसान तरीका है याद करने का कि अगर दोनों साइन बराबर हैं तो वो प्लस होगा, और दोनों साइन डिफरेंट हैं तो वो माइनस होगा। तो ऐसा अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस फाइव प्लस प्लस फोर इज फाइव प्लस फोर। अब यहां पे माइनस फाइव प्लस इंटू प्लस, माइनस फाइव प्लस फोर, यहां पे आपका हो जाएगा प्लस फोर प्लस एंड माइनस, इट इज माइनस प्लस फाइव माइनस फोर, और यहां पे माइनस फाइव प्लस माइनस फोर, माइनस फाइव प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो फोर। इसको हम नंबर लाइन में करके देखते हैं। पहले हम लेते हैं प्लस फाइव प्लस फोर, तो आपको क्या करना है, अगर आपका कुछ ये दिया नहीं हुआ है तो ये हमेशा प्लस रहता है, तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, फाइव आगे जाओगे, टू थ्री फोर फाइव, और इसमें कितना ऐड करोगे, वापस फोर आगे जाओगे, वन टू थ्री फोर, सो द आंसर इन दिस केस विल बी नाइन। अब ये लेते हैं माइनस फाइव प्लस फोर। अब माइनस फाइव प्लस फोर के लिए आप पहले जीरो से पीछे जाओगे, कितना पीछे जाओगे, माइनस फाइव, थ्री फोर फाइव, और फिर वापस आगे आओगे तो कितना आगे आओगे, फोर, वन टू थ्री फोर, तो आंसर कितना हुआ, माइनस वन, तो इस केस में आपका माइनस वन हो गया। अब हम लेते हैं प्लस फोर माइनस फाइव, सेम चीज, आप फाइव आगे जाओ और उसके बाद फोर पीछे आओ, तो आंसर कितना हो गया आपका, वन, एंड माइनस फाइव माइनस फोर, इसके लिए हम माइनस फाइव जाएंगे पहले, टू थ्री फोर माइनस फाइव, और वापस माइनस फोर पीछे जाना है, वन टू थ्री फोर, तो इस केस में हो जाएगा आपका माइनस नाइन। तो इस तरह से आप देखोगे नंबर लाइन पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, अगेन रूल यही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस फाइव माइनस इंटू प्लस माइनस फोर, ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव माइनस प्लस माइनस फोर, दिस विल बी प्लस फाइव माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस फोर माइनस फाइव प्लस फोर। तो ये हमेशा ध्यान रखो, एक बार इसका ध्यान रखोगे तो आपको बहुत आसान होगा इसको रिजॉल्व करना। तो अब सॉल्व करें, प्लस फाइव माइनस फोर, प्लस फाइव के लिए आप आगे गए और वापस आए, टू थ्री फोर, तो ये कितना हो गया आपका, वन, फिर हमारा हुआ माइनस फाइव माइनस फोर, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है पहले माइनस फाइव, टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, और वापस माइनस फोर, तो ये हो गया माइनस नाइन। देन हमारा है प्लस फाइव प्लस फोर, प्लस फाइव प्लस फोर के लिए अगेन वन टू थ्री फोर फाइव, एंड देन वन टू थ्री फोर, तो दिस बिकम्स नाइन, एंड देन द लास्ट वन इज माइनस फाइव प्लस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, एंड देन फोर, वन टू थ्री फोर, सो दिस इज वन, सो दिस बिकम्स वन। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विद साइंस। हमेशा ये वाला ध्यान रखो, आप कभी गलती नहीं करोगे, आप जब भी ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो उसको प्रॉपरली इस रूल को अप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई कर दो, और नंबर लाइन पे इसका ध्यान रखो। सो विल स्टॉप हियर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।